नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है नीरज मनिर्विकर, आप देख रहे हैं मेरा वेब न्यूज चैनल देहाती इन्फॉर्मर। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान होने के बाद दोनों दलों के नेता आगे की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कह चुके हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं और कांग्रेस शुरू से ही चाहती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। मायावती के साथ दलित वोटर जुड़ा हुआ है जो एकमुश्त होकर उनके समर्थन में वोट करता है। यही वजह है कि मायावती के इंडिया गठबंधन में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सपा ऐसा नहीं चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद में पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे मायावती के इंडिया गठबंधन के बारे में शामिल होने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरी तरीके से बात को घुमा दिया। अखिलेश यादव से जब अविनाश पांडे के बयान का हवाला देते हुए पूछा गया कि क्या मायावती भी इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो सपा अध्यक्ष ने कहा, निर्णय मायावती को लेना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूँ और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, बैलेट से वोट पड़े थे इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेरा फेरी हुई है। जो गठबंधन हो गया और सीटों का बंटवारा हो गया, आपको पता होगा कि 25 तारीख को मैं यात्रा में भी शामिल हो रहा हूं, बहुत जल्दी तारीखें भी आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि हम जनता के मुद्दों को समझाएं। बीजेपी जितनी साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ताओं और जनता को बचाना है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जैसे संसाधन उनको दिखाई दे रहा है, अभी आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने चंडीगढ़ का चुनाव लूटा था। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल करना नहीं चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो पहले यह भी कह चुके हैं कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो वो खुद अलायंस से अलग हो जाएंगे या फिर अलग अपने आप को कर लेंगे। बसपा को साथ लाने के लिए कांग्रेस नेता ने मायावती से हाथ जोड़कर अपील भी की। कांग्रेस की ओर से की जा रही जोर आजमाइश के बाद से चर्चा है कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती है। वहीं मायावती के इंडिया गठबंधन के साथ आने के सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उल्टा मायावती को आड़े हाथे लेते हुए उन्हीं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। आपको बता दें कि राजनीति में संभावनाओं के बाद यह माना जा रहा है कि सपा और बसपा कभी एक नहीं हो पाएंगे, ऐसा लंबे समय तक देखने को भी मिला है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा एक साथ आ गए थे, साथ में प्रचार करके एक साथ चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही मायावती ने कहा कि सपा के साथ जाना हमारे लिए घातक साबित हुआ है, जिसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा है। यह बातें कहकर मायावती ने सपा से खुद को अलग कर लिया। सूत्रों की माने तो सपा से ज्यादा मायावती जो है वो बीजेपी को पसंद कर रही है। अब देखना यह होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी और इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारा क्या होता है, हौसला बढ़ता है, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं। तो चलिए दोस्तों, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।